हाय पलक राय, वेलकम यू टू टुडेज सेशन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसईईटी की तैयारी, वो भी बहुत ही जल्दी जल्दी, ताकि हम कर सकें अपने नवंबर 21 एग्जाम को एस। तो जो ये तैयारी का पैटर्न रहेगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। सारी जो वीडियोस होंगी वो सुबह के टाइम पे डलेंगी, दैट वुड बी बिफोर 12 PM, एंड आपको करनी होगी तभी की तभी तैयारी। लाइक आपको वीडियोस देखनी है और समझना है कॉन्सेप्ट को, देन आपको नोट्स से तैयारी करनी है। और अगर आप चाहें तो आप जो है कि अपने अगर नोट्स बनाना चाहें, वैसे उसकी जरूरत होगी नहीं, अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो जस्ट फोकस ऑन कीवर्ड। कीवर्ड बहुत जरूरी है इस पूरे उसके लिए, बिकॉज आपका पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड, सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। इसलिए आपको इतनी ज्यादा डिटेल में पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स पढ़िए और उससे करिए अपनी प्रेपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज के सेशन में हम करेंगे करंट अफेयर्स चैप्टर 1, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पहले हम बात करते हैं IMF की। IMF क्या है? IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये 189 कंट्रीज में है एंड इनका जो मेन एम है, दे आर वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड मेक रिसोर्सेज रिलायबल टू मेंबर्स हैविंग BOP। तो बेसिक BOP हियर इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली इसमें आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि पॉइंटर्स बना दिए मैंने, तो आपको ऐसे ही याद करना है जो पॉइंटर्स हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो कब बना था। लाइक ये जो IMF है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में 27 दिसंबर को एट ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो Washington DC, यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये आपको ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इनके जो मैंडेट में अपडेट आया है वो आया था 2012 में। तो स्टूडेंट्स मैंडेट क्या है? मैंडेट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव दे हैड। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो थे, जो भी टॉपिक्स ये कवर करते थे, उसमें इन्होंने करी है एडिशनल, एंड दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज। उसके बाद अगर हम बात करें इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है 24 डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सिंगल और ग्रुप ऑफ कंट्री। सिंगल कंट्री, जैसे कि अगर कोई डायरेक्टर सिर्फ एक कंट्री को कर रहा है तो दैट इज सिंगल कंट्री। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, लाइक यूरोपियन यूनियन को अगर कोई डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हो गया ग्रुप ऑफ कंट्रीज। इसके जो लार्जेस्ट बोरोअर्स है, यानी कि जिन कंट्रियों ने इनसे सबसे ज्यादा लोन लिया है, वो है अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट। इसके जो प्रिकॉशनरी, जो लोगों ने इससे बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी लोन लिया, प्रिकॉशनरी लोन क्या है? प्रिकॉशनरी लोन इज दैट आगे आने वाले जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए इन कंट्रीज ने अभी से ही लोन ले लिया है। और ये इसमें जो लार्जेस्ट हैं, दैट इज मेक्सिको, कोलंबिया, मोरक्को। उसके बाद हम चलते हैं IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है। तो IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, शी इज गीता गोपीनाथ, और ये है इंडियन, ये इंडियन ओरिजिन की है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और ये बनी थी डेवोस में ऑन January 20, 2020। तो अब हम बात करते हैं जो इनका इकोनॉमिक, जो इंडिया का ग्रोथ रेट है। इंडिया का ग्रोथ रेट 4.8 से 5.8 हुआ है। देन अगर हम, ये इनकी प्रेडिक्शंस थी गीता गोपीनाथ की, कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है या जो इंटरनेशनल ग्रोथ रेट है वो क्या होगा। तो ये बात हुई IMF की। उसके बाद हम बात करते हैं ASEAN। अब ASEAN क्या है? ASEAN इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बेसिकली एशिया के जो साउथ ईस्ट पार्ट है, उनकी जो नेशन है, उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन बनाई है, एंड दैट इज ASEAN। यहाँ पर इंडिया मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। यहाँ पर इंडिया एज अ लाइक बाद में ऐड हुआ है, और अभी भी वो मेंबर नहीं है प्रॉपर। तो जो अब जो फाउंडिंग मेंबर से सिर्फ और सिर्फ 5, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बेसिकली इन लोगों ने अपनी जो ग्रोथ है और एक दूसरे के साथ, लाइक इनको था कि हम एक साथ चलें, साझेदारी से चलें और अपनी ग्रोथ करें, जो भी इनके वेरियस सेक्टर्स हैं उन सबकी ग्रोथ हो, इसलिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी इन 1967 अगस्त 8।
ये जो साइन हुई थी, ये इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो चार्टर है, चार्टर यानी कि कोई भी जो एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं वेरियस कंट्रीज के हेड, तो उनको जिस सिटी में वो साइन होते हैं वहां का बताया जाता है। लाइक बैंकॉक डिक्लेरेशन, या अगर दिल्ली में कुछ चार्टर साइन हुआ है तो दिल्ली डिक्लेरेशन। इसकी जो फाउंडिंग कंट्रीज रही हैं वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। उसके बाद जो इनके एडिशनल मेंबर्स जो आए, तो एडिशनल मेंबर्स ओवर द इयर्स आए हैं और उनके इयर्स यहाँ पर हैं, ये आपको इसमें टाइमलाइन मिल जाएगी। तो ये जो यहाँ पर ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पर आपको फोकस करना है। देन अगर हम बात करें कि इंडिया के क्या सेक्टर्स रहे हैं, ये देखिए, ये जो टाइमलाइन यहाँ पर है, इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को आपको फोकस करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया के क्या रिलेशन रहे हैं एशियन के साथ। तो पहले हम डायलॉग पार्टनर थे 1992 में, फिर उसके बाद हम सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर थे, फिर उसके बाद हम फुल डायलॉग पार्टनर बन गए इन 1995। देन हम मेंबर ऑफ एशियन रीजनल फोरम बने, मतलब अभी भी हम प्रॉपर मेंबर नहीं बने हैं। 1996 में हम मेंबर ऑफ एशियन रीजनल फोरम बने। तो बेसिकली इनका एम क्या था, अब एम हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इनके एम की बात करें, तो इनका एम था एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, देन सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, कि रीजन में पीस रहे और ये सब रहे, उसके लिए था ये। देन उसके बाद प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। बेसिकली ये क्या है, ये है कि ये कोलैबोरेट कर एक साथ मिलकर जो भी इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर काम करें, ताकि इनकी ग्रोथ हो और बेटर डेवलपमेंट हो। प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज। अब ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि अगर एक कंट्री में सपोज कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो वो जो कंट्री है वो अपनी बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज जिनके साथ उन्होंने चार्टर साइन किया है, उनके लोगों को ट्रेन करती हैं, उनके लोगों को रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वो भी उस एक जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका फायदा उठा सकें। कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज। तो इनकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन हो। लाइक अगर एक ट्री में ज्यादा कोई चीज मिल रही है, सपोज ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दूसरी कंट्री में कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग एक्सचेंज कर लेंगे ताकि सबकी ग्रोथ हो। प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज। तो बेसिकली इनका ये है कि जो अब कॉलोनाइजेशन के बाद साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, वो इनके उससे मिले। देन मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं 35th एशियन समिट की। तो ये जो 35th एशियन समिट है, इसमें स्टूडेंट आपको डेट, वेन्यू, थीम ये जरूर याद रखना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है तो जरूर पूछा जा सकता है। इसलिए आपको डेट, वेन्यू, थीम ये सारी चीजें बिल्कुल पक्का के पक्का याद रखनी है। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो हेयर वी आर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो इंडिया एशियन समिट हुआ था 2019 में, उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली ये 3 नवंबर को हुआ था, एंड इसके जो की हाइलाइट्स थे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस हिज कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप थ्रू स्ट्रॉन्गर सरफेस मैरीन टाइम एंड एयर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिंक। बेसिकली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो चाहते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप है एशियान के साथ वो स्ट्रॉन्गर हो, मरीन टाइम यानी कि नेवी, लाइक ओशन एंड सीज से कनेक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग हो, एयर कनेक्टिविटी हमारी स्ट्रांग हो उनके साथ, साथ साथ में डिजिटल लिंक भी कंट्रीज में बना रहे। उसके बाद हम आते हैं जो एक हुआ था 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट। तो बेसिकली ये जो है ये यूथ के लिए था, ये इन कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट यूथ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था,
एंड अपने व्यूज को प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली ये इसलिए है ताकि यूथ भी इस सब चीजों में इन्वॉल्व हो एंड कंट्री की जो ग्रोथ है वो और बढ़े। उसके बाद हम आते हैं ब्रिक्स के ऊपर। ये हमारी थर्ड जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है एसोसिएशन। ब्रिक्स जो है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ लाइक ये फॉर्मली नहीं बना हुआ, ये इनफॉर्मली बना हुआ है एंड ये अपने जो इनके मेंबर्स हैं उनके नाम पर ही है। तो ये आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। पहला बी, बी फॉर ब्राजील, आर, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो आपको ये याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये याद रखना है ब्रिक्स का फुल फॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या इनके सेशंस हुई थी और क्या मीटिंग्स हुई थी, तो वो भी इनके बहुत सारे वेरियस सेशंस एंड मीटिंग्स हुए हैं एंड वी हैव टू फोकस ऑन देम ऑल्सो। तो इनका मेन जो एम है ये इनके इन एम इनका ये था कि इनमें डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन हो और एनुअल मीटिंग से ये रेगुलरली एक साथ रहे, सारी कंट्रीज में एक साझेदारी बनी रहे। उसके बाद 2006 में इंडिया हेड बना और तब ब्रिक्स इंडिया समिट हुआ था। जो इनकी डेट थी वो थी 15 to 16 अक्टूबर 2016। अगर हम बात करें लोकेशन की तो लोकेशन थी हमारी गोवा इंडिया में और इनका मेन मोटो था फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव डिसीजन, जिसमें इश्यूज डिस्कस हुए थे। स्टूडेंट को इश्यूज बहुत सारे हैं, आपको दो तीन याद करना काफी होगा। उसके बाद इंडिया के बाद प्रेसिडेंसी ट्रांसफर हुई थी चाइना को। फिर हम बात करते हैं 11th ब्रिक्स समिट की जो हुआ था अभी हाल ही में 2019 में और उसकी डेट थी 13 to 14 नवंबर 2019। इसका वेन्यू था ब्राजील, या ब्राजील में, और इसका जो थीम थी वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, कि मतलब कैसे हम इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो। बेसिकली ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी बनी हुई है इनका मेन एम है कि हम एक साथ सारी कंट्रीज ग्रुप बनाकर चलें, सब कंट्रीज में आपस में पीस हो, वॉर ना हो और साथ ही साथ में सारी कंट्रीज की ग्रोथ हो। तो बेसिकली ये इनके मेन एम होते हैं। इसलिए जब जब भी आप एम देखेंगे एम में आप यही चीजें पाएंगे कि ग्रोथ और फॉस्टर डेवलपमेंट ये सारी। और अगर हम बात करें जो इश्यूज ये डिस्कस करते हैं तो वो भी लगभग लगभग सबके सेम है, आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। इसलिए आप ध्यान रखिए एग्रीकल्चर पहला, दूसरा जो डिजिटलाइजेशन का वो है, साथ साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो चीजें हैं ये कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स हैं। और साथ में पॉवर्टी और करप्शन तो नहीं, सॉरी पॉवर्टी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जो हर जगह डिस्कस होते हैं एंड स्कूल टाइम में भी आपने इन टॉपिक्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। इसलिए आपको इसको याद करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, ये बहुत आसान है। तो जस्ट लर्न प्रॉपरली कर लीजिए इसको ताकि आप एमसीक्यूज आराम से कर सकें और बेसिकली कीवर्ड पे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद अगर हम ब्रिक्स समिट जो 11th ब्रिक्स समिट हुआ था उसके इंडिया हाईलाइट की बात करें तो इंडिया हाईलाइट में ये था दैट इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड टू बी इंक्रीज फ्रॉम करंट 15%। तो बेसिकली ये है कि इंडिया इनवाइट कर रहा है बाहर से इन्वेस्टमेंट कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और जो 15% का ट्रेड है वो बढ़ जाए। उसके बाद प्रपोज टू होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स वाटर मिनिस्टर्स, देन हाईलाइटेड द मिनेस ऑफ टेररिज्म। इंडिया ने इस समिट में जो टेररिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, टेररिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हाईलाइट किया था कि ये प्रॉब्लम को हमें कर्ब करना चाहिए थ्रू सम स्टेप्स टेकन। उसके बाद बात करते हैं इंडिया R27 डील विद रशिया। तो बेसिकली ये जो है ये राफेल की बात हो रही है यहाँ पर, जो आपने सुना होगा राफेल के बारे में। तो बेसिकली ये एयर टू एयर मिसाइल्स ली थी इंडिया ने, एक डील हुई थी बहुत बड़ी डील हुई थी, 1500 करोड़ रुपीस की डील हुई थी और ये एयर टू एयर मिसाइल्स ली थी इंडिया ने रशिया से। ये बेसिकली इसलिए थी ताकि जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी कैपेबिलिटीज को बूस्ट करे। इंडियन एयरफोर्स वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रही है तो उनका काम बेटर करने के लिए ये मिसाइल्स ली गई थी। ये SU-30 MKI फाइटर जेट्स ने ये मिसाइल
लगेंगी। और ये जो मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होती हैं वो रशियन और यूक्रेन फर्म मैन्युफैक्चर करती है। रशियन जो फर्म है वो है विम्पेल, यूक्रेन जो फर्म है वो है आर्टेन। यूक्रेन थोड़े टाइम पहले ही रशिया का पार्ट हुआ था, इसलिए उसको रशिया में ही गिना जाएगा। देन हम बात करते हैं सार्क की। अब सार्क क्या है? सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये एस्टैब्लिश हुआ था 88 दिसंबर 1985 में। ये ढाका में एस्टैब्लिश हुआ था। बेसिकली जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स ज्यादा नहीं हैं, वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बेसिकली आप ध्यान रखें, देखिए अगर आपने मैप को अपने दिमाग में लाएं, एंड इंडिया के जो नेबर्स हैं वो है इस सार्क के पास। बीच में आ गया इंडिया, उसके साइड में आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, देन इंडिया के बीच बीच के पार्ट में नेपाल एंड भूटान है, इंडिया के नीचे श्रीलंका एंड मालदीव है, और साथ साथ में इंडिया के एकदम साइड में यानी कि जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है वहां पे बांग्लादेश है। तो देखिए अगर आप विजुअलाइज करें तो ये इंडिया और उसके नेबर्स की एक कोऑपरेशन है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगर आप मैप को ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला वेलफेयर ऑफ पीपल, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरा जो है वो है सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। देन प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब है कि हम रहेंगे तो सेल्फ रिलायंट, हम किसी पे रिलाय नहीं करेंगे, पर वो एक साथ आकर उसको और प्रमोट करना है और सेल्फ रिलायंस हो पाए और उसको स्ट्रेंथन करना है। देन कॉन्ट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो फोर्थ मीटिंग हुई थी सार्क की, वो हुई थी 27 जून 2019 भूटान में हुई थी ये मीटिंग। और अगर हम बात करें मोटिव की, तो इनका मोटिव था स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन बाय प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसका मेन मोटिव इनका ये था कि एग्रीकल्चर और रूरल जो सेक्टर्स हैं दो, उनकी डेवलपमेंट करने के साथ साथ हम अपनी रीजनल डेवलपमेंट भी करें। इनके जो चीफ गेस्ट थे वो थे डॉक्टर थंडी दर्जी, ये रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के ऑनरेबल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो इनका जो कहना है वो ये है दैट सार्क वुड नीड टू अलाइन इट सेल्फ टू इमर्जिंग प्रायोरिटीज, अश्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। जो इसमें स्पीकर से ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट ऑफ भूटान, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, ये दोनों इनमें स्पीकर से लोयनपो येशे पंजोर और अमजेद हुसैन बी सेल, ये इसमें मेन स्पीकर थे। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन। इंडिया और बांग्लादेश वैसे तो सेम थे, फिर उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया, पर अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं, अनलाइक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। तो अगर हम बात करें कि इनकी जो कब हुई थी वो डेट, तो वो जो इनका सेरेमनी हुई थी वो हुई थी मार्च 11, 2019 वीडियो कॉन्फ्रेंस से। और बेसिकली इसमें जो सप्लाई ऑफ बसेस, कम्युनिटी क्लिनिक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारे के सारे इसमें इन्होंने इनॉग्रेट करे थे। साथ ही साथ में इंडिया ने हेल्प करी बांग्लादेश की बाय प्रोवाइडिंग नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है? ये एक ई लाइब्रेरी है जिससे कि बांग्लादेश की यूथ, बांग्लादेश के स्टूडेंट पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। उसके बाद हम बात करते हैं 9th फिल्म फेस्टिवल की। 9th फिल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो उसकी डेट थी 2 से 7 जुलाई। उसका वेन्यू था नेशनल फिल्म कोऑपरेशन सिनेमा हॉल कोलंबो श्रीलंका। तो ये जो हमारा हुआ था ये हुआ था श्रीलंका में, ये यहाँ पर नहीं हुआ था। और जो इंडिया की जो एंट्रीज जो विनर बनी थी वो थी बेस्ट फीचर फिल्म नागर कीर्तन
उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर्स अवार्ड कौशिक गांगुली, बेस्ट एक्टर अवार्ड रिद्धि सेन, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड प्रभुधा बैनर्जी, बेस्ट शॉर्ट फिल्म ना बोले वो हरम, डायरेक्टेड बाय नितिश पतन। तो बेसिकली ये, और जो स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था वो था वॉकिंग विद द विंड, ये इंडियन एंट्रीज को मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं G20। अब G20 क्या है? G20 है द ग्रुप ऑफ 20, और ये बना था 1999 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी नवंबर 8 वॉशिंगटन DC US में, और इसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स, इसलिए ये G20 का यही मेन मोटिव है, ये इसलिए G20 है बिकॉज इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 20 मेंबर्स। और अगर हम बात करें एक एक मेंबर लर्न करने की, तो स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है दैट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20, एंड आप इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इसकी पार्ट हैं उसको ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में जो इनके पार्ट हैं वो है चाइना, देन जिन इन कंट्रीज, ये सारी की सारी कंट्रीज के इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, इसमें यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, ये सब हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके स्टैट्स की। इनके स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ये आप अभी मार्क कर लीजिए बिकॉज MCQ में आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय G20 कंट्री। तो उसका आपको ऑप्शन दे सकता है 60%, 80%, 70% और 90%। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट है, उसके बाद क्या ग्लोबल पॉपुलेशन है, और कितना परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हैं G20 कंट्रीज। देन इतने वेरियस ग्रुप्स हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो हैं सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड लेबर लीडर्स, साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी, थिंक टैंक, विमेन, यूथ। तो बेसिकली इसमें जो थिंक टैंक है कि ऐसा एक कम्युनिटी जो न्यू आइडियाज बनाए, न्यू आइडियाज डेवलप करें, एंड दैट्स इट फॉर G20। उसके बाद हम चलते हैं बिमस्टेक पर। तो बिमस्टेक क्या है? बिमस्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इनके जो मेंबर हैं वो अगेन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे के सारे इनके मेंबर्स हैं। अब इसमें भी आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी बिकॉज ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री हैं। सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड ऐसा है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री नहीं है, बाकी सब, अगर हम बात करें टूवर्ड दी ईस्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्ट ऑफ इंडिया में जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं वो सारी सारी पार्ट हैं। देखिए इंडिया है, इंडिया के ऊपर नेपाल है, टूवर्ड द ईस्ट है वो, तो इसलिए वो है। देन उसके बाद भूटान है, वो भी टूवर्ड द ईस्ट है, बांग्लादेश भी टूवर्ड ईस्ट है, म्यांमार भी टूवर्ड ईस्ट है, श्रीलंका नीचे है, और थाईलैंड तो है ही ईस्ट एशिया का पार्ट। तो इसलिए ये आपको याद रखना बहुत आसान होगा कि कैसे कौन सी कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में, ये आपको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप ऐसे मिमोनिक्स बनाकर, ऐसे मैप को अपने दिमाग में लाकर याद करिए ताकि आपका काम हो जाए आसान। तो ये हुआ था 1997 में फाउंड, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस कंट्री में साइन होता है या जिस सिटी में साइन होता है उसका नाम लिया जाता है। तो बेसिकली इसका चार्टर बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की कैपिटल है, वहां पर साइन हुआ था, इसलिए ये बैंकॉक चार्टर है, बैंकॉक डिक्लेरेशन है। जून 6 को ये फाउंड हुआ था। इनिशियली इसके सिर्फ 4 मेंबर थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। देन मेंबर्स ऐड होते गए, जो कि पहले 1997 में म्यांमार आया, देन 2004 में भूटान एंड नेपाल एक साथ आए। सो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन सी, कि ये जो तीन कंट्री थी, ये तीन कंट्रीज बाद में आई थी, पहले नहीं आई थी। देन अगर हम बात करें
ऑब्जेक्टिव की, तो इनके ऑब्जेक्टिव हैं हार्नेस शेयर्ड एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली इनका मोटिव होता है ग्रोथ, तो यहाँ पर भी ये चाहते हैं कि एक साथ हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उसमें हम शेयर्ड एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ करें। देन हम बात करते हैं सेक्टर्स इन्वॉल्व की। इसमें जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं दैट इज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज। तो बेसिकली ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व थे, और ये थे 1997 में। देन जब 2008 में इन लोगों को लगा कि हमें करनी चाहिए थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, तो इन लोगों ने और सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, दैट इज एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दैट इज कनेक्टिविटी लोगों में बनी रहे, एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब पीएम मोदी की जो स्वेयरिंग इन सेरेमनी हुई थी तब आए थे बीमस्टेक लीडर्स एंड फॉरेन इन्वॉय। ये लोग बेसिकली इसलिए इनवाइट करे गए थे ताकि पीएम मोदी की जो स्वेयरिंग इन सेरेमनी है वो ये लोग देख सकें। ये न्यू दिल्ली में हुई थी एंड इट वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। उसके बाद हम आते हैं नेशनल बॉडीज पे। ये तो बात हो गई हमारी इंटरनेशनल बॉडीज की, अब हम बात करते हैं नेशनल बॉडीज की। तो नेशनल बॉडीज सबसे पहले जो यहाँ पर हो रही है डिस्कस, दैट इज नीति आयोग। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कुछ मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, नीति आयोग, आरबीआई, आईबीबीआई, सेबी, ये आपके कोर्स में दो तीन जगह आए हुए हैं, बट मैं आपको एक जगह ही अच्छे से करा दूंगी ताकि आपको बार बार करने की जरूरत ना पड़े। आपको एमसीक्यूज करने हैं अलग अलग जगह से, बिकॉज दैट इज प्रैक्टिस यू नीड टू डू। बट अगर बात करें इसके जो मेन कंटेंट है, कंटेंट को आपको एक जगह से पढ़ना है एंड दैट इज इनफ। करंट अफेयर्स में भी है ये। देन अगर हम आप इकोनॉमिक्स को खोलेंगे तो वहां पर भी एक चैप्टर में ये सारी वापस रिपीट हो रही है, तो इसलिए आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। देन अब आते हैं हम इसकी एक छोटी सी टाइमलाइन पे जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको वैसे भी अपनी जनरल नॉलेज के लिए याद रखनी चाहिए। तो पहले ये हमारे जब 1950 में आजादी के 3 सालों बाद बनी थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का मेन काम था कि वो 5 ईयर प्लान बनाते थे, और उन्होंने आज तक 12 5 ईयर प्लान बनाए हैं। वो इन 5 ईयर प्लान को पहले बनाते थे, देन इम्प्लीमेंट करते थे ताकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की ग्रोथ हो। पहले उनका एम था कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो, देन इंडस्ट्रीज, देन ट्रेड। ऐसे करके उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की ग्रोथ करने के लिए इस प्लानिंग कमीशन को बनाया। फिर उसके बाद 2014 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्हें लगा कि ये प्लानिंग कमीशन अब हो गई है थोड़ी सी ऑब्सोलीट, यानी कि पुरानी हो गई है, और उसकी जो टेक्निक्स हैं काम करने की वो पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए उसको करना चाहिए थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा अपग्रेड। इसलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और नीति आयोग को ले आए। जब वो नीति आयोग को लाए तो दैट वॉज इन 2015 1 जैन। तो ये जो है ये वन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन है, मतलब बहुत हाल ही में बनाए, इसलिए ये वन ऑफ इंडियाज यंगेस्ट है। साथ साथ में एंट्रस्टेड विद मैंडेट ऑफ री इमेजिनिंग द डेवलपमेंट एजेंडा। तो बेसिकली ये जो मेन बात थी, री इमेजिनिंग द डेवलपमेंट एजेंडा, ये मेन बात थी जो नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि हो। साथ साथ में ये है थिंक टैंक ऑफ इंडिया। थिंक टैंक ऑफ इंडिया इज की ये नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं सो दैट हमारी डेवलपमेंट और हो, ग्रोथ और हो। इनके मेन एम है फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये क्या है, अब ये मैं आपको पॉइंट वाइज सारा समझा देती हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज की स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों में साझेदारी बन रहे, ये लोग साथ में अच्छे से काम करें। इनके बीच में एक मीडिएटर है, नीति आयोग, इवॉल्व नेशनल कॉन्सेंस ऑन डेवलपमेंट गोल्स। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि नेशनल, पूरे नेशन की डेवलपमेंट हो, इसलिए दैट इज इवॉल्व नेशनल कॉन्सेंस ऑन डेवलपमेंट गोल्स, रीडिफाइन रिफॉर्म एजेंडा।
जो हमारे रिफॉर्म्स हम लाते हैं, बेटरमेंट करते हैं, उसको रीडिफाइन करने के लिए ये बना है, प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्टोरल इश्यूज। क्रॉस सेक्टोरल इशू क्या है? क्रॉस सेक्टोरल इशू इज दैट एक सेक्टर जब दूसरे सेक्टर के साथ इशू हो जाता है, दैट इज क्रॉस सेक्टोरल इशूज। ये एग्जाम्पल हो सकता है दैट एक सेक्टर है वाटर का और एक सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट हम लोग जानते हैं हमारे देश की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है पानी से। तो अगर दोनों सेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपस में कोई इशू हो जाए, कोई लड़ाई बड़ाई हो जाए, तो वो सॉल्व करेगा नीति आयोग। कैपेसिटी बिल्डिंग इज दैट, और जो हमारा एक मेन ढांचा है उसकी कैपेसिटी बढ़ाए नीति आयोग। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये थिंक टैंक में था, तो दिस इज इट। देन हम बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज कि ये बना किन किन लोगों में है, इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व है। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो है श्री नरेंद्र मोदी। पहले भी प्लानिंग कमीशन में हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते थे चेयरपर्सन, अब नीति आयोग में भी जो हमारे वो है चेयरपर्सन वो है श्री नरेंद्र मोदी, जो कि है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अगर हम बात करें वाइस चेयरपर्सन की, तो दैट इज राजीव कुमार। अगर हम बात करें फुल टाइम डायरेक्टर्स की, तो वो है श्री वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, वी के पॉल। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो मेंबर्स हैं जिनकी मिनिस्ट्री इस उसमें इन्वॉल्व है। तो पहले हैं श्री राजनाथ सिंह, जो कि हैं डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के। फिर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA भी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं श्री अमित शाह की, जो कि होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। देन आते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपको ध्यान रखना है दैट नरेंद्र सिंह मोदी इज डिफरेंट एंड नरेंद्र सिंह तोमर इज टोटली डिफरेंट। ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। रूरल डेवलपमेंट भी इनके यहाँ ही अंडर ही आता है और पंचायती राज भी इनके अंडर ही आता है। अब ये जो मिनिस्टर्स हैं और उनकी कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, ये भी रिपीट हुआ है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिए। देखिए डिफेंस में आ गए राजनाथ सिंह, देन अगर हम फाइनेंस और अब ये फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स दो सिमिलर सिमिलर है, लाइक इनकी जो वर्किंग है वो एक दूसरे से थोड़ी 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 मिलती है, तो इसलिए वो निर्मला सीतारमण को दी गई है। देन अगर हम होम अफेयर्स की बात करें, देन इज अमित शाह। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, तो ये देखिए ये बेसिकली जो भी रूरल पार्ट है, बिकॉज अर्बन इंडिया में एग्रीकल्चर नहीं होता, अर्बन इंडिया में फार्मर्स नहीं होते, तो रूरल पार्ट में जो भी मिनिस्ट्रीज आ रही हैं, चाहे वो पंचायती राज की हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की हो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वो आती हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो वो है श्री अमिताभ कांत। रेलेवेंस क्या है इसकी? इसकी रेलेवेंस है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सॉरी कंपेटिटिव फेडरलिज्म, देन इट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कंपेटिटिव फेडरलिज्म ये है दैट दो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन बना रहे ताकि वो बेटर परफॉर्म करे। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, तो इसका एग्जाम्पल इज दैट हम सब जानते हैं पंजाब में बहुत गेहूं उगता है और मध्य प्रदेश में भी गेहूं उगता है। तो अगर नीति आयोग के उससे ये इन दोनों में कंपटीशन बना रहेगा पंजाब और मध्य प्रदेश में, तो वो बेटर और एफर्ट्स करेंगे ताकि वो और गेहूं उगाएं एंड इट विल लीड टू ग्रोथ। उसके बाद हम करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात, तो वो वही है स्टेट्स एंड रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज। जैसे कि अगर सपोजिडली एक सिचुएशन आती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं हम, दैट अभी जो फार्मर्स बिल है उसकी सिचुएशन ले लेते हैं। तो फार्मर्स बिल में बेसिकली अभी जो पंजाब हरियाणा में फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां के मिनिस्टर्स उनका साथ दे रहे हैं, जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं। पर जो हमारी यूनियन मिनिस्टर जो यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, दिस बिल विल हेल्प फार्मर्स। तो
इन लोगों में जो अभी कोऑपरेशन नहीं बैठ पा रहा है, जो एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, वो नीति आयोग बिठा सकता है। नीति आयोग का ये काम है कि इन लोगों में तालमेल बिठाए, इनमें जो भी गैप्स आ रहे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करे। देन हम बात करते हैं ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी की। तो इसमें इन्होंने जो एक नई चीज लाए हैं वो है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। तो ये जो है ये डाटा कलेक्ट करते हैं ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। दिस एस्टेब्लिशेस अकाउंटेबिलिटी। थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडिया। ये जो चीज है ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप ये चीज बिल्कुल समझ लीजिए, नीति आयोग इज इक्वल टू थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ रेजोल्यूशन। तो बी का कॉमन पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिस्कसिंग इश्यूज फेस्ड बाय डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। देन हम बात करते हैं आरबीआई की। अब आरबीआई भी ऐसा ही कुछ है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह रिपीटेड है, इसलिए उसको आपको एक बार करना है, और एक बार इतने अच्छे से करना है कि चाहे एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी पार्ट से आए, आप उसको अच्छे से आंसर कर सके। अब आरबीआई के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे उसकी छोटी सी हिस्ट्री। तो उसकी जो हिस्ट्री है, पहले 1920 में था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली तब बनाया था जब जो ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, उन्होंने बनाया था। और ये बना था थ्री प्रेसिडेंसी बैंक की अमेलगमेशन से। और ये बेसिकली कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था। और इसका मेन एम था कि ये अपनी जो है कि ब्रांचेस आने वाले 5 सालों में अपनी 100 ब्रांचेस खोलें। बेसिकली इनका एम प्रॉफिट मेकिंग था, इनका एम हेल्प करना नहीं था, इनका एम कोई अच्छा नहीं था। इनको था कि हम ज्यादा से ज्यादा जो फंड्स हैं वो कलेक्ट कर सकें और ये सारे फंड्स भेज सकें ब्रिटिश ब्रिटेन ब्रिटिश क्वीन के पास। उसके बाद 1926 में आई हिल्टन कमिटी। अब इन लोगों ने बोला कि हमें बना कि ब्रिटेन को ज्यादा फायदा हो, उसके लिए हमें एक सेपरेट रिजर्व बैंक फॉर इंडिया बना देना चाहिए। और ये जो थी ये इन्होंने एक कमिटी बनाई, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, और ये हिल्टन यंग कमीशन की कमिटी थी। तो ये जो कमिटी बनी, इन लोगों ने फिर उसके बाद व्हाइट पेपर, यानी व्हाइट पेपर बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे पेपर की बात नहीं हो रही जो कलर में व्हाइट है। व्हाइट पेपर इज लीगल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ये एक्ट पास हुआ था 1 अप्रैल 1935 में कि आरबीआई बनेगा। आरबीआई के ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे 1 अप्रैल से। इनिशियली ये एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था विद अ कैपिटल ऑफ 5 करोड़। इसमें गवर्नमेंट का 2.20 लाख लगा हुआ था और बाकी जो शेयर्स थे वो प्राइवेटली ओन्ड थे। देन अगर हम अब करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में सॉरी सॉरी करंट सिनेरियो में नहीं, देन इनका जो हेडक्वार्टर था वो शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई शिफ्ट हो गया था फ्रॉम कैलकटा। फिर उसके बाद 1938 में आया फर्स्ट नोट ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई ने जो पहला नोट प्रिंट किया था वो 1938 में प्रिंट किया था। फिर उसके बाद 1940 में इन्होंने अपना अकाउंटिंग ईयर, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर चेंज कर दिया, और वो कर दिया जनवरी टू दिसंबर। करेंटली आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो है जुलाई टू जून। ये कोरोना की वजह से हुआ है, इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है, ये पूरे कंट्री का अकाउंटिंग ईयर नहीं है। देन सिक्योरिटी लाइन वॉज इशूड। सिक्योरिटी लाइन, अगर आपने नोट देखा हो तो जो एकदम फ्रेश नोट जब आता है तो उसमें एक लाइन, एक थ्रेड होती है बीच में, बीच वो होती है सिक्योरिटी लाइन, वो इशू करी आरबीआई ने। फिर उसके बाद 1946 में आई, आजादी से बिल्कुल 1 साल पहले हुई डीमोनेटाइजेशन। 1948 तक भी आरबीआई जो कि इंडिया का बैंक था वो पाकिस्तान के लिए भी नोट बनाता था। ये एक बहुत ही अलग बात है, एक बहुत फैक्ट वाली बात है, बट ये सच है। आरबीआई पाकिस्तान के लिए भी नोट बनाता था 48 तक, यानी कि आजादी के 1 साल बाद तक। देन 49 यानी कि आजादी के 2 साल बाद आरबीआई नेशनलाइज हुआ।
उसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस की। तो आरबीआई के बहुत से फंक्शन है स्टूडेंट, आपको मेन मेन पॉइंटर्स ऐसे फ्लो चार्ट से लर्न कर लेने हैं। ये जो नोट्स मैं भी आपको जिनसे पढ़ा रही हूँ, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसलिए डोंट वरी। बेस्ट पहला है वो एक मॉनिटरी अथॉरिटी है, देन रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, इश्यूअर ऑफ करेंसी, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेवलपमेंट रोल, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रिलेटेड फंक्शन। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला मॉनिटरी अथॉरिटी है, बिकॉज वो इशू करते हैं नोट्स, तो मेन जो अथॉरिटी है वो उनके पास है। देन है इश्यूअर ऑफ करेंसी, जो भी नोट्स एंड कॉइन्स है वो आरबीआई इशू करती है। अब कॉइन्स में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 1 रुपए का सिक्का होता है वो मिनिस्ट्री भी इशू कर सकती है। तो आरबीआई नहीं, वो मिनिस्ट्री भी इशू कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का सिक्का। बाकी सारी चीजें, सारे नोट, चाहे जितनी भी डिनोमिनेशन के हो, 50 हो, 500 हो, 2000 हो, वो सारे के सारे आरबीआई इशू करती है। बस वो जो 1 रुपए का सिक्का होता है ना, वो मिनिस्ट्री भी इशू कर सकती है। तो ये आपको अगर एक ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो मिनिस्ट्री भी इशू कर सकती है, वो सिर्फ आरबीआई के पास सोल राइट नहीं होता उसका। उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारा है, जितने भी बैंक्स हैं या नबार्ड है, सब कुछ आरबीआई के अंडर आता है, तो इसलिए वो रेगुलेटर भी। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जितना भी हमारे पास पैसा आ रहा है फॉरेन से, लाइक डॉलर्स और यूरो, पाउंड, या हमारा पैसा जा रहा है, वो सारा सारा मैनेज आरबीआई करता है। आरबीआई फेमा के साथ भी वर्क करता है, ताकि दोनों दोनों साथ में वर्क कर कर फॉरेन एक्सचेंज पर गवर्नेंस रखें। उसके बाद इनका एक डेवलपमेंट रोल भी है। डेवलपमेंट रोल इज दैट ये डेवलप करें जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो पूरा ढांचा है उसको डेवलप करें। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो आरबीआई रेगुलेट करता है जितने भी जो हमारे क्रॉस बैंक चेक्स होते हैं। सपोज अगर हम लाइक आईसीआईसीआई बैंक का चेक एक्सेस में डाले हैं, ऐसे जो क्रॉस बैंक जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो 27 रीजनल ऑफिसेज, और ज्यादातर स्टेट की कैपिटल्स हैं। मगर अगर जैसे सपोजिडली अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वो जयपुर में है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ में इनके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, और इनके 4 सब ऑफिसेज हैं, 6 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। अब जो ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये क्या है? ये बेसिकली आरबीआई स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स भी इक्विप्ड हो आरबीआई में काम करने के लिए, या फिर जो पूरा हमारा इकोनॉमी का ढांचा है जो पूरा है उसमें काम करने के लिए। इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो डीआईजीसी हैं, बीआरबीएनपीएल हैं, और ये इसकी 4 सब्सिडरीज हैं। इसके टोटल 31 ऑफिसेज हैं, 27 और 4 को मिलाकर। अगर इनके वेरियस रेट्स देखे जाएं तो वो हैं रेपो रेट 5.15%, देन हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की तो वो 4.90% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज 5.40, बैंक रेट 5.40 है, कैश रिजर्व रेशियो 4% है, और जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है दैट इज 18.25%। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेबी की। सेबी जो है वो है एक स्टैचुटरी कॉरपोरेशन। तो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन क्या है? स्टैचुटरी कॉरपोरेशन वो कॉरपोरेशन होती है जो तब आती है बीइंग में जब उसके लिए एक एक्ट बने। सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी बना था अप्रैल 12, 1992 में। इस जो एक्ट है इसका, उसका है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। जो इसके चेयरमैन है वो है श्री अजय त्यागी, होल टाइम मेंबर्स हैं श्री जी महालिंगम, मिस महादबी पुरबुची, श्री एस के मोहतानी एंड श्री अनंता बोरा है। तो बेसिकली इसमें जो स्टूडेंट्स आपको लर्न करना है वो लर्न करना है चेयरमैन का नाम, साथ ही साथ में एक्ट का नेम। बाकी जो होल टाइम मेंबर्स हैं उनके नेम याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप
उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए, देन हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका पहला जो फंक्शन होता है, वो पहला फंक्शन ये है कि ये इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज है। अब स्टूडेंट, ये इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज कैसे है? ये इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज इसलिए है बिकॉज जितनी भी कंपनी है जो सिक्योरिटीज इश्यू करती है, चाहे वो शेयर हो या डिबेंचर्स हो, वो लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट आती है सेबी के अंडर। देन इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के ट्रेड जो इंटरेस्ट है उसे ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि ये लोग सेबी जो है ये किसी भी लोगों का जिनका पैसा लगा हुआ है उसके साथ ना इंसाफी नहीं होने देता। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो ये सॉल्व करते हैं, पार्शियलिटी बनी रहती है। देन दे आर ऑल्सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फिर आते हैं इनकी पावर के ऊपर। अब इनकी पावर जो है वो आप देख सकते हैं कि इनकी पावर के आगे लिखा है क्वासी। क्वासी क्यों है इनकी पावर? इनकी पावर क्वासी इसलिए है बिकॉज ये एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है, या ये पार्लियामेंट का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए लेजिस्लेटिव भी नहीं है। तो ये क्वासी, इनके पास जो पावर्स हैं वो ये है कि ये किसी के ऊपर भी केस कर सकते, जो भी कुछ प्रॉब्लम करें, लाइक गलत काम करें, इन दिस लाइक मैल प्रैक्टिसेस करें, तो उनके ऊपर ये केस कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये शेयर मार्केट से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं, और ये जो भी जिस कुछ गलत करेगा, लाइक शेयर मार्केट में कोई घोटाला करेगा या कुछ करेगा, तो उसके भी ऊपर चार्जेस कर सकते हैं ये। तो इसलिए इनकी पावर्स क्वासी है। देन हम आते हैं कि इनकी जो एक स्कोर्स प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, January 27, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 4 मंथ की डेडलाइन होगी सेबी के पास वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो होंगी इनके स्कोर प्लेटफॉर्म पर। अब आते हैं हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। तो ये भी एक स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है, ये भी कंपटीशन एक्ट 2002 से बनी है। देन कंपटीशन एक्ट में अमेंडमेंट आए 2007 में। इनका क्या काम है? इनका बेसिकली ये काम है कि ये देखें कि एक हेल्दी कंपटीशन हो कंट्री में, कोई भी कंपनी की मोनोपोली ना हो, इसलिए ये प्रोटेक्ट प्रोहिबिट एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन एंड रेगुलेट कॉम्बिनेशन कंप्लायंसेस। तो बेसिकली ये इनका काम है कि ये देखते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि कोई भी कंपनी की मोनोपोली बन जाए या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। ये बनी कब थी? ये बनी थी 2003 में 14 अक्टूबर को। देन अगर हम बात करते हैं इनकी ड्यूटी की, तो इनकी ड्यूटी है पहली, एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो अभी मैंने आपको बताया मोनोपोली ना बने। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, कंपटीशन बना रहे ताकि कंज्यूमर को मिले एक प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो बेसिकली ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं इंटरलिंक्ड, और इनका काम बेसिकली काम ये है कि कंपटीशन बना रहे ताकि कंज्यूमर को ऑप्शन मिले कि वो चूज कर सके कि उन्हें कहाँ से लेना है। देन इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, लाइक अगर कोई भी कंपनी ट्रेड करना चाहे तो वो आराम से कर सके। जो इनके चेयरपर्सन है वो है श्री अशोक कुमार गुप्ता, इनके मेंबर्स हैं संगीता वर्मा एंड श्री भगवंत सिंह बिश्नोई। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। ये जो हुआ था, ये हुआ था इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, और ये हुआ था मार्च 1, 2019 में। इसमें जो की नोट स्पीकर थे वो थे डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्य। तो ये आपको याद रखना होगा कि इनका चेयरपर्सन कौन है, साथ ही साथ में की नोट स्पीकर कौन थे। अब हम आते हैं द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी RBI और SEBI की तरह रिपीटेड है, ये भी कोर्स में आपके इकोनॉमिक्स में भी है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दें। इसका पूरा नाम है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो ये भी एक स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है बिकॉज ये बींग में आया था आफ्टर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 2016 में। इनका काम है टू अमेंड लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, प्रोटेक्शन
प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। पहले तो हम बात आते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो बेसिकली इनका ये काम है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है इंसॉल्वेंट, तो ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं या फिर वो बैंक है या कोई भी है जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को बैलेंस रखें, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो ताकि इंसॉल्वेंसी की नौबत ही ना आए, और साथ ही साथ में प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप की इंसॉल्वेंसी के डर से ऐसा ना हो कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना ही छोड़ दें। इट रेगुलेट्स अ प्रोफेशन एज वेल एज प्रोसेस। तो बेसिकली ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दो चीजों की बात कर रही है। पहली कि ये प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं, प्रोफेशन एज इन जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेशनली इंसॉल्वेंसी में, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरीज हो या हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको रेगुलेट करना इनका काम है। और साथ साथ में प्रोसेस एज इन जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं, देखते हैं कि कोई लॉ ब्रेक तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। देन आगे चलते हैं हम इनके चेयरपर्सन पे। तो इनके चेयरपर्सन है डॉक्टर एम एस साहो और इनके 3 होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। अब आते हैं हम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने इनरोल किया है सीएस के कोर्स के लिए, तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में पता होगा, इसलिए आपको मेन मेन जो पॉइंट याद रखने हैं वो है, ये है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, साथ साथ में ये करते हैं डेवलप एंड रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और ये बने था कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के ऊपर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसके 4 रीजनल ऑफिसेज एंड 70 चैप्टर्स है। तो ये 70 जो चैप्टर्स हैं कि जो हर सिटी में इसका ऑफिस है उसको इन्होंने चैप्टर्स का नाम दिया है। अब जो मेन एक बात है वो ये है कि CSEET ने रिप्लेस कर दिया है CS फाउंडेशन को, तो ये एक बहुत मेन बात है। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉर्पोरेट CS ऑन January 5, 2020 ये हुई थी। UDIN जो है वो है एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर मेंबर, ये मेंबर्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, और ये बेसिकली इसलिए है ताकि मेंबर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी है वो इस UDIN के हिसाब से रहेंगे। ये बेसिकली इनका एक अपना आधार नंबर है। अब हम बढ़ चलते हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। तो पहले हमने जाना था G20 के बारे में, अब हम बात करेंगे G7 की। देखिए स्टूडेंट, G20 में इंडिया मेंबर था पर G7 में इंडिया मेंबर नहीं है। G7 के 7 मेंबर्स हैं, पहला US, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो कनाडा बाद में आया था, रशिया भी बाद में आया था। देन रशिया को एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि उसने यूक्रेन ले लिया था दूसरी कंट्री से। इनका बेसिकली ये बने थे बिकॉज ऑफ ऑयल शॉक ऑफ 1973। अब ऑयल शॉक ऑफ 1973 के बारे में मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। बेसिकली क्या हुआ था, 1973 में जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने ये बोल दिया था दैट दे विल नॉट सप्लाई ऑयल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज कुछ वॉर की प्रॉब्लम चल रही थी एंड ईरान को अटैक कर रहा था US, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि वो ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए US ने UK, फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर बनाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बनी थी 1975 में। फिर 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया, देन 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया, बट 2014 में रशिया को निकाल दिया गया था। जो 45th G7 समिट था वो उसकी डेट थी 24-26 अगस्त 2019, वेन्यू था बिरेट, फ्रांस, और टॉपिक था कम्बैटिंग इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी ये हर टाइप की इनइक्वालिटी से बात कर रहे थे। पहले तो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट इनइक्वालिटी, स्ट्रेंथनिंग सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेकिंग एक्शन फॉर पीस। तो बेसिकली इसमें ये सब टाइप की इनइक्वालिटीज की बात कर रहे थे, चाहे वो जनरल रिलेटेड इनइक्वालिटी हो या हो एनवायरमेंट रिलेटेड इनइक्वालिटी। स्टूडेंट, इसमें आपको बेसिकली याद रखना है दैट व्हेन डिड कनाडा जॉइन एंड रशिया जॉइन, और फाउंडर मेंबर्स जो थे उनके नाम भी आपको याद रखने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं
एंड लेट्स कम ऑन टू 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस. इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय. तो बेसिकली ये मेघालय शिलोंग में हुआ था एंड इसलिए वहां का जो टॉपिक था उसे भी एक बार देख लेते हैं. सो लेट्स कम टू दिस. यस, तो यहां पर हम आ गए हैं. तो पहले था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पब्लिक ग्रीवेंसेस इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और जो इसके की हाईलाइट्स थे वो थे इम्प्रूव सिटीजन एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट सर्विसेज बाय प्रमोटिंग टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर. तो बेसिकली इनका था कि जो गवर्नमेंट साइट से नहीं चलती हैं, अच्छे से नहीं चलती हैं, वो बेटर चले. कंसोलिडेट द प्लेथोरा ऑफ सक्सेसफुल स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट. ई गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे से हों, ये इनका मेन एम है. टेक स्टेप्स टू फर्दर इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. तो बेसिकली ये चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर कनेक्टिविटी हो जाए बेटर. टेक स्टेप्स टू इनहेंस द एक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी फॉर ओपनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेंटर इन शिलोंग. ये चाहते हैं कि जो शिलोंग और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो यूथ है, जो वहाँ के लोग हैं, वो स्किल डेवलपमेंट करें, इसलिए ये वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेंटर खोला चाहते हैं. अब हम बात करते हैं न्यू जेन मोबिलिटी समिट 2019 की. ये हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में फ्रॉम 27-29 नवंबर 2019. और यहाँ पे श्री नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो थे चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट. अब हम बात करते हैं नेशनल यूथ समिट. तो स्टूडेंट्स, जो भी ये यूथ समिट्स होते हैं ये होते हैं इसलिए ताकि यूथ को भी एम्पावर कर सकें और यूथ को भी ये पता चले कि उनमें कितना टैलेंट है, साथ साथ में उनके पास पास क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं जो उनको सॉल्व करने चाहिए. फिर उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स. ये भी 4-5 सितंबर 2019 में हुई थी एट सीबीआई हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली. तो बेसिकली ये जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड थी और ये इसलिए थी ताकि साइबर क्राइम को हम कैसे कर्ब कर सकें, कैसे उसको कम कर सकें, उसके ऊपर ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये वन ऑफ इट्स काइंड थी, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था. सो वी कैन होप दैट आगे भी होगी. अब हम बात करते हैं बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स की. तो स्टूडेंट, बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लर्न करने चाहिए. जैसे कि मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस लीडर का क्या बिजनेस है, लाइक बिजनेस का नेम पता होना चाहिए. जैसे कि अजीम प्रेम जी का विप्रो लिमिटेड है. उसके बाद अगर हम कुमार मंगलम बिरला की बात करें तो इनके सरनेम पे ही इनका आदित्य बिरला ग्रुप है. और फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे और बात करते हैं टिम कुक की. तो टिम कुक इज द सीईओ ऑफ एप्पल. ये बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे ऑलरेडी और अगर नहीं जानते हैं तो अब आपको पता चल गया है. देन हम बात करते हैं बिल गेट्स की एंड मोस्ट ऑफ अस नो दैट बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. इलोन मस्क की अगर हम बात करें तो ही हैड फाउंडेड पेपाल, स्पेसएक्स एंड टेस्ला मोटर्स. तो ये आपको ध्यान रखना है. देन अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की तो वॉरेन बफेट इज अ ग्रेट इन्वेस्टर एंड ही इज वन ऑफ हिज काइंड. उसके बाद हम बात करते हैं लीडर्स की. तो पहले हमारी बात हो रही है श्री नरेंद्र मोदी की जो कि हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर. देन डोनाल्ड जे ट्रंप जो कि हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट. और उसके बाद इनकी जो न्यूज हो रही होगी वो बात हो रही है. तो बेसिकली इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको बस डेट्स याद रखनी है दैट मोदी हॉर्डी इवेंट जो हुआ था वो हुआ था 22nd सितंबर 2019 एट
एनआरजी स्टेडियम हॉस्टन, तो बेसिकली ये यूके में हुआ, यूएस में हुआ था, यहाँ पर नहीं हुआ था। देन राजनाथ सिंह बिकम्स फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई एलसीए तेजस, तो बेसिकली ये फर्स्ट ऐसे डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था। देन कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर बाय मुकेश अंबानी, आई एम श्योर आपको ये बिल्कुल पता होगा बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स करते होंगे जियो यूज, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट जियो फाइबर आया है कमर्शियली। उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। बुक्स एंड ऑथर्स में स्टूडेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स और कि कौन उसका ऑथर है यही याद करना है, और कुछ ऐसी याद करने वाली बात नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक शेयर एज मच एज यू कैन एंड कमेंट बिलो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं ऑफिशियल पेज पर, और जो नोट्स हैं वो भी इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड वॉचिंग टिल दी एंड। थैंक यू।